हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मुंब्रा पुलिस की तरफ से कल शाम के वक्त रूट मार्च निकाला गया था ताकि कानून व्यवस्था शहर में बनी रहे। मुंब्रा पुलिस स्टेशन से ये रूट मार्च शंकर मंदिर, अंबेडकर नगर, अमृत नगर, रशीद कंपाउंड तक निकाला गया। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI NB कुलहटकर ने बताया है कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, ऐसे में ईद का त्यौहार काफ़ी नज़दीक आ रहा है, कोई शरारती तत्व कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश ना करें वरना पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। रूट मार्च के दौरान मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI NB कुलहटकर ने क्या मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, आपको सुनाते हैं। रूटिंग मार्च निकाली गई है, ये मुंब्रा स्टेशन से कहां तक की रहेगी और कब तक की रहेगी? ये रोड मार्च है, कल अंबेडकर जयंती है और ये रमजान मंथ चालू है। रमजान मंथ में एक पब्लिक में पुलिस प्रेजेंस दिखना चाहिए और एक पब्लिक के मन में जो डर रहता है वो निकलना चाहिए, इसलिए हमारे पूरा मुंब्रा पुलिस स्टेशन से एक 10 officer और 50 स्टाफ के साथ में PCR गाड़ी, हमारा पीटर गाड़ी के साथ में ही हम लोग यहाँ, हम लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन से लेके दरगाह रोड, अमृत नगर दरगाह, गुलाब पार्क मार्केट, वहाँ से अभी रशीद कंपाउंड तक जा रहे हैं। सर, ये जो आपने मार्च के टाइम दौरान में देखा ट्रैफिक कितनी जाम है और लोग कैसे गाड़ी लगा लगा के खड़े, वो अभी रमजान का मंथ है, गुलाब पार्क मार्केट में पब्लिक आती है शॉपिंग के लिए, वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक का इश्यू है, लेकिन ये नमाज छोड़ने का टाइम है तो जो आते हैं उनको कार्रवाई करेंगे।